मैं देशवासियों से आज जरूर कहना चाहूंगा और इसे मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए, मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से, बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, और तीसरी बात, मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। मेरे देशवासी, आप जब भी मेरा मूल्यांकन करें, इन तीन तराजू पर जरूर मुझे कसते रहना। कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते रहना, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत करके आए, इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है। और भरोसा जैसे बढ़ता है, जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने 21वीं सदी के एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक, सार्वजनिक, राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है। और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए कौन जाए, वो तो जनता करता ही करती रहेगी, लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, अब भारत ने, भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है। 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था, स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए, जेल जाता था आजादी के लिए, खादी पहनता था आजादी के लिए, झाड़ू लगाता था आजादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए, स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए। 42 से 47 तक, 47 तक एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पर जिताने में बहुत बड़ी मदद की। ये 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का है, और देशवासी भी तय करें
कि इन 5 साल का हम 130 करोड़ लोग, उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को परास्त कर दिया था, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प कर ले कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाना है, एक विकसित भारत बनाकर के साथ लेनी है, हमारे गरीब से गरीब की सामान्य आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है, अगर 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए, स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते। अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है, और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में 1 जाति है गरीब, भारत की 1 जाति है गरीब, और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये 2 ही जाति है, और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है, जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है, और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये 2 शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। इस चुनाव को हमें नम्रता से स्वीकारना है। हम सरकार तो बहुमत से बनती है और जनता ने बना भी दी है, लेकिन लोकतंत्र के संस्कार, लोकतंत्र का स्पिरिट, भारत के संविधान का स्पिरिट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन देश सर्वमत से चलता है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला, मेरे लिए वो बात बीत चुकी है। हमें आगे देखना, हमें सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे घोर विरोधी होंगे उनको भी साथ लेकर चलना है, देश हित के लिए चलना है, और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना, लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है। संविधान यही हमारा सुप्रीम है, उसी के छाया में उसी के हर शब्द के भाव को पकड़ते हुए हमें चलना है, और उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी, हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उत्साह के साथ हमसे जुड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, देश ने हमें बहुत दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने इस फकीर की झोली भर दी है, बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी है, मैं जानता हूं आपकी आशा आकांक्षा
आपके सपने, आपके संकल्प, बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसकी भरी भांति इस गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं देश को कहूंगा कि आपने 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत डाली। मैं इसके पीछे की भावना को भली भांति समझता हूं, मैं भली भांति समझता हूं। और सभी विजयी किसी भी दल से जीत करके आए हो, किसी भी पार्श्वभूमि से आए हो, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिला कर करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए विजयी सभी जन, सभी प्रतिनिधि आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को समर्पित है, भारत के संविधान प्रति समर्पित है और फेडरलिज्म पर समर्पित है। और इसलिए इन चीजों को विजय प्राप्त करने वाले लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार उन राज्यों की विकास यात्रा में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चलेगी। हम कभी दो भी हो गए, लेकिन हम कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आदर्शों को ओझल नहीं होने दिया, न रुके, न थके, न झुके। कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है। 21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। ईमानदारी को जो ताकत मिली है, उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्वीकृति दी है। और इस प्रकार से जो बदलाव आया है, उस बदलाव ने ये परिवर्तन लाया है। आत्मसम्मान, आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई उस मां का विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था, जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशीर्वाद की विजय है। असंगठित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागू करके उनको सम्मान जीवन देने का काम किया है, ये उनका विजय है। उन बेघर जिंदगी गुजारते गुजारते आज पक्के घर में रहने गए हैं, उनका विजय है। और जिनका 2022 तक पक्का घर बनना तय है, उनका विजय।